जब भी बांसुरी की सुमधुर नाद कानों में गूंजने लगते हैं तब अक्सर एक नाम उभर के सामने आता है, वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। और इनके बारे में तो बहुत कुछ जानकारी है, बहुत विख्यात बांसुरी वादक हैं, बहुत जाने माने प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया है, अवार्ड्स मिले हैं इनको, रिकग्निशंस मिले हैं, यहाँ तक कि फिल्म में भी म्यूज़िक दिया है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इनकी संगीत की तालीम एक ऐसी दुर्लभ परंपरा से उपलब्ध हुई है, और वो भी एक ऐसी दुर्लभ ट्रेनिंग से कि जब पूछा तो पता चला कि इनकी गुरु माँ श्री अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार बजाती हैं, और पंडित जी ने बांसुरी का तालीम उनसे लिया है। तो इस बात को सोच के ये लगता है कि इनका लगाव संगीत से ज़्यादा है, और संगीत में जुड़े रहने के कारण इन्होंने जो ट्रेडिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसको पार करके संगीत के गहराइयों पर उतर आए हैं और उनको अपने वादन में और अपने शैली में उतारा है। तो हमारे बीच आज कुछ अद्भुत और अनोखे बातचीत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित जी, मैं एक चीज़ इस संदर्भ में पूछना चाहता था जी। कि देश राग से तो आपका नाम जुड़ा है, सारे देश जानते हैं, और अब आप देशी राग बजा रहे थे। देशी बजा रहा था। जी। और आपके घराने में कुछ खासियत भी है जी, तो इस राग के स्वर अभी भी यहाँ गूंज रहे हैं जी। और जी, आशा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके पास भी यही गूंजते रहे जी। तो इस राग को आप बजा के जरा हमें बताएंगे कि मैहर घराने में राग का ट्रीटमेंट में खासियत क्या है। वाह 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 विश्वनाथ जी, ये आपके जो प्रश्न है उसमें मुझे इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि इन बातों को बहुत कम लोग पूछा करते हैं कि आपके घराने की शैली क्या है, आपके घराने की शैली का मुख्य अंग क्या है। मैं मैहर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ स्वर्गीय बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के, और उनकी सुपुत्री गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी मेरी गुरु माता हैं। पहले ही आपने कहा वो सुर बाहर बजाती हैं। हम कोई साज सीखने थोड़ी गए थे जी। हम तो साज में संगीत बजाते हैं। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होते कि आप साहब वहाँ क्या करने गए थे, वो तो ये वाद्य है, आपका ये वाद्य है, जो जिस वाद्य को संभालना है उसी वादक के पास जाना चाहिए। मैंने कहा हम इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, हमको संगीत सीखना है, और जो भी कोई वाद्य है उसमें संगीत ही बजाते हैं, तो हम क्यों ना जाके, हमको उनका संगीत, उनके घराने का संगीत अच्छा लगता है, तो हम क्यों ना उनसे सीखें। तो इसलिए हमारी वादन शैली भी दूसरों के शैलियों से थोड़ी भिन्न हो गई। अब उनके घराने में क्या जो क्या कहना चाहिए, जो सबसे खूबसूरत बात है वो है ध्रुपद धमाल जी। ध्रुपद शैली ख़त्म हो रही है, मुझे बड़ा दुख लगता है। ध्रुपद शैली का एक इतना खूबसूरत अंग है जिसको हम आलाप कहते हैं, जो मेरी गुरु माँ ने मुझे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से उसको बताया कि इस ध्रुपद अंग में जो आलाप का अंग है उसका 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 इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि जब आप सुनेंगे तो हम 2 घंटे भी कर सकते हैं एक राग को आलाप, 3 घंटे भी कर सकते हैं उसका ऐसा, और उसको रूप को बनाते बनाते सजाते सजाते उसमें इतना आनंद आता है कि फिर आप विभोर हो जाते हैं, आप फिर नहीं सुनना चाहते कि इसमें तबला या कुछ पखावट हो। ये अद्भुत बात है कि आप अन्नपूर्णा जी के पास गए जी, इसका क्या तात्पर्य क्या था? तात्पर्य ये था कि उनके घराने की जो शैली थी संगीत की, वो हमारे वाद्य के लिए बहुत ही आवश्यक थी। सितार सरोद तो उनके घराने में शुरू से ही उनके घराने का नाम रोशन करता रहा, लेकिन हमारे वाद्य को उनके घराने की सहायता की बहुत आवश्यकता थी। उस वजह उसकी यही थी कि हम बांसुरी में एक छोटे से बंद कमरे में रहते थे, जब से बांसुरी की शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शुरुआत हुई तो एक बहुत बंद कमरे में थी। हमने कहा इसको हम निकाल के थोड़ी उसको पूरे पृथ्वी पूरे संसार में, जैसे बांसुरी पूरे संसार में फैला हुआ है जी जी जी, वैसे अगर भारतीय बांसुरी सारे संसार में जाके अपना रूप कुछ अलग दिखा सके, भिन्न दिखा सके, तो यही एक घराना है
जो हमारे संगीत को बहुत ऊंचा स्थान देगा और हमारे वाद्य को भी बहुत ऊंचा स्थान देगा। इसलिए हमने उनसे हमने उनको मनाते हुए 3 साल लगा। हम भगवान को 1 महीने में मना सकते हैं या 2 साल, उनको मनाने के लिए 3 वर्ष लगे कि मुझे आपसे सीखना है। बहुत नाराज होते। कितने उम्र में आप पहुंचे उनके पास? ये मैं कोई 1965 में या 66 में गया और अभी भी जाता हूँ सीखने के लिए। तब अभी भी कहता हूँ, मुझे उम्र थी जब आप अन्नपूर्णा जी के पास गए होंगे। अब दर्शकों को मत जानने दीजिए कि मेरी उम्र क्या है, क्योंकि वो रोज उनसे मुलाकात होती है, हमारे संगीत को सुनते हैं, हमको बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि हम इनके बीच में आ जाते हैं ना। जी जी जी, तो हमको भी बच्चा ही समझ लेते। अच्छा, लेकिन आपने बचपन से ही बांसुरी शुरू कर दी? जी, पहले 2 साल मैंने गायन की शिक्षा ली। अच्छा। पंडित राजा राम जी से, उसके बाद में बांसुरी वादन के लिए कुछ हमको बांसुरी में बहुत ही जो जिसको कहना चाहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको किस तरीके से पकड़ना चाहिए, उसका फूक कितना देना चाहिए, उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो हमारे पंडित भोलानाथ जी बहुत ही कहना चाहिए गुणी आदमी है। कहाँ? इलाहाबाद? इलाहाबाद में है, तो बनारस के जी, लेकिन वो इलाहाबाद में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं आपको आज से गुरु मानता हूँ, आप मुझे बांसुरी की पूरी शिक्षा दें कि कैसे बांसुरी को बांसुरी की आवाज़ अच्छी हो, बांसुरी का पकड़ना अच्छा हो। भगवान कृष्ण को तो देखा आपने, छोटी सी बांसुरी पकड़ते हैं। तो हम यही समझते हैं आजकल हम लोग बड़ी बांसुरी बजाते हैं तो हम कितने ताकतवर हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी शायद, इसलिए छोटा बजाते हैं। खैर, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही भगवान तो भगवान। आप तो ये बताएं कि बांसुरी में आपकी रुचि कैसे आई? रुचि मुझे लेकिन बांसुरी को जो आपने, मैं यही कह रहा था कि मैं इलाहाबाद में, पंडित भोलानाथ जी इलाहाबाद रहते थे और वो रेडियो में उस समय कुछ नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं रेडियो खोल कर सुन रहा था, मुझे इतना आनंद आया उनका वादन सुन के और ऐसा लगा कि ये कुछ, इसकी ध्वनि ही कुछ अलग है, इसका कुछ नेचर अलग है, इस वाद्य का रूप ही कुछ अलग है, फिर भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना पवित्र वाद्य होगा कि इनके हाथ में अगर ये बजा रहे हैं तो कितना पवित्रता होगी इसमें। तो मैंने कहा, एक तो साउंड की वजह से, दूसरी ये भगवान के हाथ में रहता है, तो मैंने कहा क्यों ना, फिर इतना अच्छा गुरु भी जो मिल जाए हमारी घर के पास में, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं उनके पास चला गया और उन्होंने मुझे इतने प्यार से अपनाया, इतने प्यार से अपनाया कि मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा अब तो बांसुरी में बजाऊँगा। तो आपके घर में परम्परा सहित संगीत का? परम्परा मेरे पिताजी और मेरी माता जी, मेरी माता जी जब मैं 5 साल का था तब तो वो चल बसी, लेकिन मेरे पिताजी को संगीत से लगाव था, वो जब कसरत वसरत किया करते थे तो गुनगुनाया करते थे, कभी कभी हम सुन लिया करते थे, लेकिन वो थे पहलवान आदमी। जी जी, उनका प्रोफेशन था पहलवान का, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई उनका ट्रेडिशन संभालने के लिए कम से कम उनके बच्चे तो आ गए हैं, तो मुझे दौड़ा देते थे। मैं भी सुबह 4 बजे उठ के तेल बेल लगा के पहुँच गया अखाड़े में, अखाड़े में पहुँच गया तो पहलवान मुझे जब पटक के मेरे ऊपर चढ़ बैठे तो मुझे बड़ा खराब लगा। अच्छा अच्छा, ये क्या बात, कोई आदमी चढ़ के बैठा हुआ, मैं चिल्ला रहा हूँ उठो उठो, मैं उठ ही नहीं रहा, मुझे चित करना चाहता, तो मुझे बड़ा घबराहट लगती थी। अंदर से संगीत की इच्छा होती थी कि संगीत करूँ, तो मैं अपने आप को, हमारे कुछ मित्र थे जिनके घर में उनके माता पिता बहुत संगीत से प्यार किया करते थे, तो उनको ये मालूम था कि पहलवान का लड़का इसकी माँ नहीं है और कभी इसको इसके पिताजी ने पकड़ लिया गाना बजाना करते हुए तो इसकी हालत ख़राब और बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि माँ होती है तो बचा लेती है। तो जब माँ नहीं होगी तो मैं तो कमरे में भागता रहूँगा, पिताजी डंडा लेकर मारते रहेंगे और एक हाथ उनका पड़ जाएगा पहलवान को, तो जीवन में उसका दाग भी नहीं जाएगा। तो इस डर की वजह से मैं कुछ, हमारे कुछ ऐसे मित्र लोग थे जिनके माता पिता मुझे उनके अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया करते, तो बोले करते थे बेटा तुम्हारा ही घर है, कभी भी आना और यहाँ बैठ के खाना पीना खाना और खूब रियाज करना। चला ऐसे ही शुरू जी। और जब अन्नपूर्णा जी को आपने आखिर में मना ही लिया, तो तालीम के दौरान आपको किस तरह का कोई खास बात? मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई जैसे भगवान को अगले जन्म में कुछ ऐसा कुछ कार्य किया है कि हमको ऐसे भी गुरु मिलते हैं जो कि इतने प्यार से, इतने क्या कहना चाहिए, इतना अपने आप को निछावर कर देते हैं कि भाई ठीक है आपको संगीत सीखना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप कब तक बैठना चाहते हैं, आप सीखिए, इतना प्यार, खाना भी खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं फिर अपने माता जी जो मेरी मर गए थे, मैंने उनको मिस नहीं किया, मैंने कहा गुरु माँ से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती नहीं।
जो बचपन से मिस कर रहा था वो बात हमारे भगवान हमारे सामने ला कर रखे कि तुम इसमें इस देवी में संगीत का रूप भी पाओगे और माँ का भी रूप पाओगे, तो दोनों चीज़ साथ में मिल गई मुझे। इतना बड़ा अभी मुझे लोग कहते कि साहब आप मंदिर जाते नहीं, मैंने कहा मैं मंदिर नहीं जाता, जहाँ बैठता हूँ वही मंदिर बन जाता है, स्वर हो जाते हैं चारों तरफ तो चारों तरफ भगवान भी होते हैं। तो बोलते साहब आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आप कभी तो जाते होंगे। हाँ मैंने कहा कभी मैं ऐसा जाता हूँ, मद्रास गया तो तिरुपति चला गया या कहीं भी नज़दीक कहीं मंदिर रहा तो जब समय रहता चला जाता। बोले आप क्या मांगते? मैंने कहा मैं तो दो ही चीज़ मांगता हूँ, लोगों के बारे में मालूम नहीं क्या मांगते लेकिन मैं दो चीज़ मांगता हूँ। एक तो मांगता हूँ कि भगवान कभी अगर मुझे मनुष्य का जन्म दे तो इसी संसार म्यूजिक के संसार में कि हम कलाकार बन के पैदा हों, और दूसरी चीज़ ये मांगता हूँ कि जब मैं पैदा हूँ और संगीत की दुनिया में पैदा हूँ तो मुझे ये यही गुरु देना जो हमारे गुरु। दो चीज़ें मांगता हूँ। तो आपने अन्नपूर्णा जी का सुरबहार पहले ही सुना था? कभी नहीं सुना। अच्छा। बस उनकी प्रशंसा सुनी थी, मैं बहुत छोटा सा था, एक कक्षा में या कुछ ऐसे ही एक या दो दर्जे में पढ़ता था, तो मैं खेलता खेलता मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था तो वो कहीं उसके मालिक उसके पिताजी मालिक थे होटल के, कैलाश होटल नाम था अभी मुझे याद है मेरे इलाहाबाद, वहाँ पर उस्ताद साहब आके रहा करते थे हर महीने, और इलाहाबाद रेडियो में प्रोग्राम करते थे क्योंकि इलाहाबाद मैया से बहुत नज़दीक था तो हर महीना वो आते थे। तो ये लड़का बोला हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे कलाकार आते हैं, चलो मिलाएंगे। तो मैं वहाँ चला गया उनसे मिला, तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे कभी संगीत करना है तो या तो मैं इनसे सीखूँ और नहीं तो इनके सुपुत्री से मैं सीखूँ। अच्छा, ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी बचपन से। तो हमने कहा कभी भी मौका ऐसा मिला तो मैं ज़रूर इन्हीं से ही सीखूँगा, अगर बाबा जी से मौका नहीं मिला तो इनसे सीखूँगा। मैं अब कुछ प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि मैं मुझे नौकरी मिली कटक में, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में, वहाँ 7-8 साल था तो मुझे धक्का मार के भगा दिया बम्बई वहाँ से जी भगा दिया क्योंकि मैं वो अटेंडेंस वगैरह प्रॉपर नहीं देता था तो मुझे भगा दिया। तो मुझे बहुत रोना आया कि अब उस समय की तनख्वाह तो 250-250 ही होती थी तो बम्बई में तो उतना आने जाने में आदमी खर्चा कर देता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया अब, तो मैं तो बहुत ही परेशान था। लेकिन जब बम्बई पहुंचा और ऐसे गुरु के स्पर्श, ऐसे उस गुरु के चरण स्पर्श करने को मिले और वहाँ की दुनिया में पहुंचा तो कुछ मुझे कुछ अजीब सा ही हो गया। मेरा पूरा पर्सनालिटी कहना चाहिए, मेरा पूरा रूप ही चेंज हो गया। तो वहाँ गुरु माँ का आशीर्वाद, फिर ये सारी दुनिया अलग अलग प्रकार के संगीत, जैसे फिल्म संगीत हो या दूसरे प्रकार के संगीत हो, उनका ऐसा कुछ हमको सीखने को मिल गया कि मुझे लगा कि मुझे ये भगवान का ही आशीर्वाद था जो मुझे यहाँ धक्का मार के यहाँ भेजा गया। वो ट्रांसफ़र और फिर आपने नौकरी छोड़ दी? फिर मैंने 4-6 महीने नौकरी छोड़ दिया क्योंकि बम्बई में अपने आप को बचाना है तो कुछ अच्छी तरीके से विद्या लेनी है और कुछ पैसे भी अर्जन करने हैं तभी जाके वो सुविधा मिल सकती है। तो आपकी जो तालीम का सिलसिला था उसमें जैसे आपने कहा ध्रुपद धमार ये सब अंग था जी, और फिर आपने कहा कि बांसुरी को कमरे के अंदर जो बंद था जी उसको वहाँ से निकाल के लोगों तक पॉपुलर करना जी, जी। लेकिन ये क्या ताज्जुब बात नहीं है कि जो कन्हैया से जुड़ी हुई बांसुरी इसी जी, देश में जी, जो फोक भी कहलाते थे और जो लोगों के प्रचलित थी वो बंद कमरे में कैसे बंद हो गई? वो कन्हैया की बांसुरी नहीं, वही जो बांसुरी का इतिहास है जो वहाँ से चल के आई है वो बंद इसलिए हो गया था कि जब क्लासिकल शास्त्रीय संगीत होता जी, था जब शास्त्रीय, लेकिन यही एक ऐसा वाद्य है जो कि ऐसा है जनसाधारण है कि भारत के ही जनसाधारण नहीं, सारे पृथ्वी के जहाँ भी आप जाएंगे गांव में या शहरों में आप देखेंगे कि ये बांसुरी को एक ऐसा बना लिया है पर्यायवाची जिसको बोलते हैं कि ये वाद्य गांव में देखेंगे जो कर रहा है चरवाहा वो भी 2-4 स्वर बजाता है, रात को जो ड्यूटी देता है वॉचमैन की वो भी 2-4 स्वर बजाता है बांसुरी। और विदेश में भी ऐसे ही, जापान जाइए, रशिया जाइए, चाइना जाइए, अमेरिका जाइए, सब जगह का ये फोक लोक संगीत वाद्य हो गया सब जगह का। आजकल कहना चाहिए कि कोई 40 या 50 साल से ये शास्त्रीय संगीत जगत में आया लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ जी। उसके लिए हम उसका श्रेय पूरा पंडित पन्नालाल घोष जी को देते हैं जी, जी। जिन्होंने कि शास्त्रीय संगीत का ईजाद इतने बड़े बांसुरी को लेके लोगों के सामने में किया, लोग सुनते थे सराहते थे लोग, लेकिन जो फॉलोइंग होनी चाहिए जो एक संगीत का एक माहौल जो बड़े बड़े कलाकारों ने बना दिया था उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं आई।
उतना उस वाद्य को वो पॉपुलर नहीं कर पाए, लेकिन नाम उनका बहुत था, प्यार उनको लोग बहुत करते थे, बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत गुणी व्यक्ति थे, लेकिन उस समय में गाने का एक ज़्यादा अंदाज था, गाने की पॉपुलरिटी बहुत थी, और दूसरे वाद्यों में सितार, सरोद, वीण, ये सब वाद्य बहुत मशहूर थे, तो इनके ज़्यादा कार्यक्रम होते थे इसका बहुत। हम लोगों ने आया, हम लोगों ने आके इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल किया, रद्दोबदल इन द सेंस कि उसका पूरा चेहरा नहीं बदला, लेकिन थोड़ा मेकअप बदल दिया, चेहरा वही है हरि प्रसाद चौरसिया, थोड़ा सा मेकअप बदल दिया। मेकअप इसलिए बदलना पड़ा मुझे कि बहुत जो भीड़ भाड़ एक प्रोग्राम में होती है वो ज़्यादा नहीं होती थी। मैं बचपन में जाता सुनने के लिए तो कहीं 100 या 150 या 200 लोग हो गए तो बहुत हो गया जी जी, आज तो हजारों की तादाद में बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। उस समय में क्या होता था कि हमारे कलाकार वो तवज्जो नहीं देते थे लोगों के ऊपर, वो आए और एक बंदिश गाया ऐसी कि तबले वाला सम ना पकड़ पाए, ये उनकी जीत होती थी। अगर तबले वाला चुपचाप बैठा रह गया तब तो ये कलाकार बोले बस इनकी जय हो गई, जैसे कोई अखाड़े में उठा था। ये एक जमाना था, तो उसमें लोग जो है परेशान हो जाते थे, मैं आया था तो कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने, ये क्या हो गया, वो बैठा रह गया बेचारा, वो बजाए नहीं है चले गए, हाय हाय जय जय हो गए, जय खान साहब की जय खान साहब, ये क्या हो। तो इससे बड़ा ऑडियंस कम हो गया था, और कम होते होते ऐसा कम हो गया कि फिर लोग इतनी नफरत करने लगे, बोले जाएंगे नहीं, मैं कौन जाता हूँ, कुछ नहीं था, समझ में भी नहीं आता। अब के ज़माने में हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज किया, चेंज इंटेंशन कि चलो ध्रुपद सिस्टम से ही आलाप करें, या उसको ख्यालंग से बजाएं, या उसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बजाएं, या गवकारी से बजाएं, या उसमें कुछ एक नया रूप दें। हम लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज किया, इसके लिए बहुत मेहनत किया और मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी भी हम इसमें क्या कहना चाहिए, बहुत परिश्रम करते हैं कि लोगों को इसकी तरफ, संगीत की तरफ कैसे क्या हो जाए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा हमने चेंज। तो इसके लिए टेक्निक की भी काफ़ी आपको आवश्यकता पड़ी, टेक्निक की भी बहुत आवश्यकता पड़ी, और दूसरे वाद्यों को और दूसरे गायकों को सुनने की बहुत आवश्यकता पड़ी, उनसे सीखने की बहुत आवश्यकता पड़ी, भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के वाद्यों को भी सुनने की बहुत आवश्यकता पड़ी, उनके संगीत को सुनने की बहुत आवश्यकता पड़ी, कि उनके में क्यों इतनी भीड़ होती है, हमारे में क्यों नहीं भीड़ होती, उनके में क्या ख़ास बात है जो हमारे में नहीं है। अगर हम उनसे ये बात सीख सकते हैं, अब बात एक तो सीखने की सबसे बड़ी ये है कि जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन जी, एक चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं, एक चीज़ को हम लाके ऐसे करके दे दिया, कपड़ा ऐसे करके दे दिया, एक चीज़ को हम अच्छी तरीके से प्रेस करके एक डब्बे में रख के उसमें अच्छी तरीके से कवर करके उसमें अच्छा डिज़ाइन करके कोई फ्लावर व्लावर बना के उसके ऊपर अच्छा लिख के, एक वो भी होता है। तो हमने देखा विदेशी लोग इतनी अच्छी तरीके से जब भी कुछ प्रेजेंट करते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट होता है, थिएटर होता है, साउंड सिस्टम होता है, लाइटिंग होता है, वो एक ऑडियंस को एक अलग मूड में ले आता है, जो कि हम लोग उससे मिस कर, हम तो आते हैं माइक्रोफोन देखा कि नहीं देखा, इधर है या उधर है, रख दिया शुरू हो गए, कोई सुनो न सुनो, लाइट का कुछ असर हो या ना, अंधेरा है चेयर पर, मच्छर काट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं, क्या बिछा है क्या नहीं बिछा, कुछ खाली अपनी पगड़ी बांधा, यहाँ 2-4 बिल्ला टंगा लिया, और एक शेरवानी रखा है 2-3, वो पुरानी, वो बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन वो प्रोग्राम के दिन निकलेगी, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल था जी जी जी। मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक फॉलोइंग जो है वो टूट गई थी। अब आजकल देख रहे हैं हम कि यंग बच्चे और बूढ़े और जितने भी हैं, सब आजकल संगीत में बैठे रहते हैं, सारा रात सुनते रहते हैं संगीत को। तो हम अपने आप को इतना भाग्यवान समझते हैं कि चलिए अगर हमने थोड़ा सा भी सोचा है इसके बारे में तो आज इतना बड़ा क्राउड है, और मेरी पहुंच तो यहाँ तक होती है कि मैं जो लोग शास्त्रीय संगीत को नहीं भी सुनते, मैं उनके तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए फिल्म संगीत भी करता हूँ जी जी जी। मेरा कोई फिल्म संगीत करने का ऐसा कोई वो नहीं, शौक है कि मैं चाहता हूँ, मैंने किया चांदनी किया, सिलसिला किया, लम्हे किया, या डर किया, तो म्यूजिक लोगों को अच्छा लगा तो जानना था शिव हरि कौन, अब अगर हम बता दें कि भाई वो हरि प्रसाद चौरसिया तो हमसे कहें साहब वो सिलसिला का गाना बजाइए या चांदनी का गाना बजाए, तो हमने नाम को जरा छोटा कर दिया, ताकि जब हम शास्त्रीय संगीत बजाते हैं तो कोई ये ना कहे कि ये वही शिव हरि है, ये ना जाने, और वहाँ पर फिल्म में कोई ये ना जाने कि ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ये शास्त्रीय संगीत के मासी वादक। तो इसलिए हमने, और सारे लोगों तक हम पहुँच पाए, क्योंकि हम देते हैं दर्जा किसको, जो लोग शास्त्रीय संगीत को समझते हैं, वो क्या समझते हैं, वो समझते नहीं, वो हमको शो करते हैं कि वो समझते हैं जी, और अगर वो समझते हैं तो अच्छे सुनकार नहीं है,
क्योंकि वो क्रिटिक बन जाते हैं, वो हमेशा ये करते हैं, वो जी दरबारी वहाँ सुना था चौरसिया जी तो बेकार दरबारी बजा, क्योंकि हमने जो सुना था वो तो दरबारी का दैवत ऐसा आता था कि नीचे गिर पड़ता था। तो ये जो इस प्रकार के सुनने को हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। जी जी, जो श्रोता है जिसको कि दरबारी और मालकोंस मालूम नहीं, वो संगीत की पवित्रता और जो संगीत जो कलाकार है उसकी भावना उस पर, ये चीज़ वो वॉच करता रहता है, सुनता है, वो उसको बोलता है मुझे दरबारी और मालकों से मतलब नहीं, ये जो कलाकार ये तो भगवान का रूप है, हम इसके कार्यक्रम में जाते हैं। ये अब ये बात पैदा हो गई जी जी, और ये बात भगवान चाहेगा तो आप देखेंगे कि इसकी लोगों में इतनी फॉलोइंग हो जाएगी और भी ज़्यादा होगी। हम लोगों की कोशिश है कि हमारे जो आने वाले जब ये लोग हैं सब, ये जब भी गाना बजाना करें तो इनको ऐसा लगे जब भी जाएँ तो इनका दिल भरा है कि हाँ आज तो हम अच्छी तरीके से गाए, हमारी कोशिश। इसमें एक चीज़ हमें संदेह ये है कि आप फिल्म म्यूजिक में भी बजा मतलब डायरेक्शन कर रहे हैं जी, और क्लासिकल की एक शुद्ध परम्परा को कायम रख रहे जी, तो इसके लिए मेंटल डिसिप्लिन और प्रेजेंटेशन में डिसिप्लिन कैसे आप करते हैं? देखिए, आदमी को कई कई जगह पर अपना मेंटल लेवल बदलना पड़ता है। अभी हम आपके साथ भी बैठे हैं तो हम आपसे किस तरीके से बड़े सोबर होकर बात कर रहे हैं, घर में जाएंगे एक बच्चे से तो उसको कभी चाटा मार देंगे, कभी यहाँ से कुछ कर लेंगे, और कहीं अगर गए सपोज किसी दुकान में गए, किसी ने कुछ सामान कम दे दिया तो उससे झगड़ा भी कर जाएंगे, उसको फाइट भी मार देंगे, क्योंकि मेरा सामान क्यों नोट फटा क्यों दिया, बोलेगा मैंने नहीं दिया तो मैं एकाध मार दूंगा। तो आदमी को रूप कैसे बदलते रहते हैं, तो हमारा ऐसे ही संगीत का रूप, जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम शास्त्रीय संगीत के बारे में सोचते हैं, जब हम स्टूडियो में जाते हैं तो हम उसी दुनिया में रहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, जब हम कुछ फ्यूज़न म्यूज़िक के बारे में जाते हैं तो वहाँ उसका एक अलग रूप सोचते हैं। तो हम ऐसा हमारे यहाँ भी ऐसे हम चेंज कर लेते हैं जी जी, तो उसी में घुल मिल जाते हैं तो उसका असर भी अच्छा होता है। आपने बांसुरी में जैसे ट्रेडिशन होता है कि गायकी को उतारें या गायकी को ही फॉलो करें, आपने उस अंदाजे से अपना काम किया या बांसुरी को एक दर्जा देने के लिए? मैंने दोनों काम किया। अच्छा, ये जितना संगीत को मैं जितनी महत्ता देता हूँ उससे ज़्यादा तो इसको भी महत्ता देता हूँ, क्योंकि संगीत को मैं किसके द्वारा लोगों तक पहुँचा रहा हूँ तो इसको मैं क्यों इसको पीछे करूँ जी, इसको तो मैं बहुत ही ऊँचा स्थान देता हूँ। तो इसमें तो मैं तो गाना नहीं गा रहा, इसमें बहुत मैंने रिसर्च किया, हालांकि भगवान ने इसमें एक सुराख यहाँ बनाई, छः उंगली यहाँ बना दी, छः उंगलियों का, लेकिन मैंने इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं और क्या क्या अपने उसको जो एक बजाने का ढंग है, अब हम इसमें झाला तार तो नहीं झाला नहीं कर सकते लेकिन झाले का अंग कैसे होगा इसमें, जब हम झाला नहीं बजाएंगे तो उसका जो क्या कहना चाहिए, जो उसका शास्त्र है शास्त्रीय संगीत का हमारा, वो पूरा नहीं होगा जी जी। तो हमने जैसे अब झाला तरह बजा, झाला थोड़ा सा बजा, और दूसरे मीड और गमक जो बहुत है देखे, तार के ही बज सकते हैं, अगर हम उसमें करें कि उसमें वही ध्वनि को पाना चाहें तो हम क्यों ना उसको रिसर्च करके कुछ उसमें ऐसी बातें करें, हम तार क्यों लगाएं इसमें, इसका मतलब यह कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन और भी हम कोशिश कर रहे हैं, और भी खोज में कि इसमें और भी क्या खास बातें हो सकती हैं, हम खोज में हैं, और भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, मेरी भक्ति अगर ठीक रही तो हम और बहुत बहुत खोज निकालें कि ये संसार का, जैसे भगवान कृष्ण ने इसको संसार का ऊँचा वाद्य बना कर रखे तो ऐसे मैं भी इसको बना कर रखूँ। आप बता रहे थे कि बचपन में जब अखाड़े में आपको भेजा गया था और किसी ने आपको दबा दिया तो आपको बड़ा खराब लगा, क्या करें, और आप जब बांसुरी में आप इतने होनहार और इतने ख्याति आपको प्राप्त हुए तो आप कैसा लगता है? नहीं, अभी तक अब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी इतना अच्छा बजाते तो मुझे डर लगता है तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती, तो मैं ये लोग मुझे और मेहनत करवा देते तो मैं और ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ,
तो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, अपने परिवार से, अपने शिष्यगण से, मैं बहुत खुश हूँ। तो पंडित जी, आप हमारे बीच में आए और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच इतना समय निकाल के इतना कुछ बताया जी दर्शकों को और हम लोगों को जी, इसके लिए हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं।